आकाशवाणी दिल्ली के 97 मीडियम रेटिंग 86.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में आपका स्वागत है। सुबह के 7:05 हुए हैं। श्रोताओं, स्वास्थ्य संजीवनी के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम में आज का विषय है बालों की समस्या, कारण और निदान। हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं आयुष वेलनेस क्लिनिक की परामर्श चिकित्सक डॉक्टर दिव्या सरस्वत और वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर रीना अरोड़ा। बालों की समस्या, कारण और निदान, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 1800-113-663। श्रोताओं, ये नंबर टोल फ्री है। आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के सीधे हमें फोन कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं डॉक्टर अलका शर्मा। श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये विषय है हमारे बालों से संबंधित, जो हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ाने में चार चांद लगा देते हैं, परंतु बालों को किसी भी तरह का नुकसान होना ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो क्या किया जाए, आइए जानते हैं अपने दो विशेषज्ञों से, जो हमें बालों की समस्या, कारण और निदान के बारे में बताएंगे। हमारे दोनों विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रीना अरोरा और डॉक्टर दिव्या सारस्वत। डॉक्टर साहब, आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रीना से हम ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि बालों का, जैसे बाल आजकल इस मौसम में देखे गए बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उसका क्या कारण? आजकल आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली ये भी एक कारण है। कुछ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और खाली मौसम एक कारण नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल भी बहुत बड़ा कारण है। अगर हम उसको ठीक नहीं रखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर हम डाइट ठीक नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, गलत रूटीन है और रोज शैम्पू कर रहे हैं, ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पॉलीमर का। जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमारी फ़ोन लाइन पर, उससे पहले बात कर लेते हैं। हेलो जी। हेलो जी, नमस्कार। मैम नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। जी मैम, मेरा नाम ब्रह्मदत्त है। जी ब्रह्मदत्त, बताइए आपका प्रश्न क्या है। हेलो मैडम जी, विशेषज्ञों को प्रणाम। जी मैम, मैं मंगोलपुरी दिल्ली से फोन कर रहा हूँ। जी हाँ, बताइए आपका प्रश्न क्या है। जी मेरी मैडम जी कुछ जिज्ञासाएं रूपी प्रश्न है आपके श्री चरणों में निवेदन के रूप में। जी जी बताइए। पहला प्रश्न मैम, ये सिर के बालों में ना रूसी हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा जिज्ञासा मैम, क्या चिंता फिकर से बाल जल्दी असमय पक जाते हैं व्यक्ति के? और एक अन्य जिज्ञासा मैम, जो सिर के बाल होते हैं हमारे सफेद हो जाते हैं, नजला भी हो जाता है, इसके पीछे आनुवांशिकता भी कारण होता है कोई? और ये मैम, जो हम बालों में कलर लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं और गर्म पानी से भी धोते हैं, क्या कोई इनका साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव तो नहीं होता है? और अंतिम प्रश्न है मैम, जो बालों की समस्या है, क्या हमारी जीवन शैली व खान पान से भी जुड़ी है? धन्यवाद। जी जरूर बताएंगे। डॉक्टर रीना गंगर जी का पहला प्रश्न है कि सिर के बालों में रूसी हो जाती है, इसका क्या उपाय किया जाए? बालों में रूसी का कारण डेली कुछ लोग शैम्पू करते हैं, ये भी है। एक तो पहले उस आदत को खत्म कीजिए और फिर आप इसमें एक हरिटकी का पाउडर आता है, हरड़ का पाउडर, उसको अगर आप दूध में मिक्स करके एक पेस्ट बना के और नहाने से आधा घंटा पहले अगर आप रूस में लगा लेंगे तो उसको सिंपल पानी से धो लीजिए, तो इससे आपकी डेंड्रफ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और ऑयलिंग जरूर कीजिए वीक में एक बार बालों में, और शैम्पू भी वीक में एक ही बार करें, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, तो इस तरह से रूसी काफ़ी ठीक हो सकती है। जी डॉक्टर दिव्या, इनका दूसरा प्रश्न है कि क्या चिंता और फिक्र से बाल जल्दी पक जाते हैं? जो चिंता होती है वो आजकल किसी भी बीमारी या किसी भी आपका जो फिजिकल सिम्टम है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ी बात है कि आप जब चिंता अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो वो किसी को, किसी के बाल झड़ते हैं, किसी की भूख कम हो जाती है, किसी को यू नो कोई और फिजिकल सिम्टम आ जाता है, किसी को कमर में दर्द रहने लगता है, किसी को गर्दन में, तो हर किसी का जो भी ये बाहर आने का तरीका होता है बहुत डिफरेंट होता है। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं बेसिकली, सबसे बड़ी बात है अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस है, इस चीज़ का स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस है या नेगेटिव स्ट्रेस है, तो वो भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है।
सेकेंडरली कि कोई भी चिंता किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा कारण जी, तो वो तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते जी। और डॉक्टर रीना, इनके दो प्रश्न और हैं कि सिर के बाल सफेद होना चाहिए, अनुवांशिक है और गर्म पानी और जीवन शैली क्या जो लोग बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें ड्राइव लेते हैं, हल्की उनसे बॉडी क्योंकि आजकल बाइक और एक नक्शे ट्रीटमेंट आता है जिसे मोज या ऑयल डालना सजेस्ट करते हैं, उससे भी बालों का व्हाइटनिंग जो है वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। वो न्यूट्रिशन देते हैं बालों को, ब्रेन को, आई को, पहली बात तो ये कि अगर आपको कोल्ड की स्टार्टिंग है तो आपको गर्म पानी सिर के लिए बहुत ज्यादा सिर पे और आंखों पे, ये दो हमारे बॉडी पार्ट हैं जिनसे हमें गर्म पानी नहीं यूज करना चाहिए। जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं वो लेते हैं, भी अगर बाकी बॉडी पे गर्म पानी कर रहे हैं तो उसकी कंपैरेटिवली कम जो गर्म पानी है वो हमें डालना चाहिए, ना डालें तो जी। अगले एक और श्रोता से बात करते हैं। हेलो, मैं मीना बोल रही हूँ कॉलोनी से। जी मीना जी, जी मैं कैबेजी फोर हूँ, मेरे को शुगर, बी पी, थायराइड कुछ नहीं है। न मालूम कैसे बाल तो है बिल्कुल झड़ते चले जा रहे हैं, और तो किसी ने कोई शैम्पू बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया और बाल जो है वो झड़ते चले गए। पता नहीं पतंजलि काफ़ी टाइम करा था, आयुर्वेद के हिसाब से काम करते हैं, हम तो तरह तरह के शैम्पू यूज नहीं कर रहे थे। मैं आपसे पूछती हूँ क्या मुल्तानी मिट्टी को मैं कितने क्वांटिटी और किस तरह यूज करके और कितने पहले क्वांटिटी यूज करूँ ताकि मेरी क्या कितनी होती रहती है, टेन लगाती हफ्ते में एक बार और एक बार ही हम बाल साफ करते हैं, तो और डाइट का कुछ बताइए। डाइट में हम हरे पत्ते सारे विंटर खाते जी, जरूर बताएंगे। डॉक्टर दिव्या इनका नीना जी का प्रश्न है कि बाल इनके झड़ते चले जाते हैं, इन्हें कोई बी पी शुगर नहीं है, और क्या ये मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकती है और कितनी क्वांटिटी में यूज कर सकती है कितने बार? इसलिए मैंने एक हाइजीन बहुत महसूस करी है, उन्होंने बोला कि वो 1 से 20 अपने बाल धोती है। देखिए हम जिस सिटी में रहते हैं तो वहाँ इट्स वेरी पोल्यूटेड, पोल्यूशन बहुत हाई है, और पोल्यूशन का क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देने देते, बट वो जाके सेटल हो जाते हैं आपके बालों के बीच में, आपके स्किन के ऊपर। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो आपको बीच में कम से कम 2 बार तो आपको मिनिमम बाल धोने ही हैं, और शैम्पू ये जो बार बार बदलने वाली आदत है ना, तो ये नहीं होनी चाहिए, नेचुरल शैम्पू यूज कीजिए। मुल्तानी मिट्टी का है, 2 घंटे पहले अगर आप मुल्तानी मिट्टी को अच्छे से भिगो लें, भिगोने के बाद उसको अच्छे से आप मतलब अपने हाथों से उसको पूरा पेस्ट की तरह करके, और पानी में जब हम भिगोते हैं मिट्टी को, भिगोने का एक तरीका होता है कि कम से कम उसके ऊपर 1.5 इंच ऊपर तक पानी होना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपरली पानी को सोख ले। अगर आपको लगता है कि उसमें पानी कम है तो आप उसमें और ऊपर से पानी डाल सकते हैं, और बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा उसको छान के यूज़ करें, क्योंकि उसके पार्टिकल्स भी रिमेन नहीं करने चाहिए, तो उसको अच्छे से स्ट्रेन करके जो उसका पानी निकलेगा उससे अपने बालों को वॉश करें ट्वाइस अ वीक। और जो अगर ये ऑयलिंग कर रहे हैं, और जैसे ये ऑयलिंग करते हैं, जैसे 1 से 2 वीक ऑयलिंग कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो जब ऑयल करते हैं तो ऑयल भी बालों में रिमेन नहीं करना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके बालों को झड़ने का, क्योंकि आपकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो जाके आपकी जड़ों के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपका बोझ सहन नहीं कर पाते, और बाल जो होते हैं वो आपके लेकिन मतलब वो गिरने लग जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि जब भी आप ऑयलिंग करें तो कोई भी माइल्ड शैम्पू जो होता है, कोई भी हो, चाहे डेली शैम्पू हो, चाहे आपका कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो जो वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत कम क्वांटिटी में लेकर उसको अच्छे से स्कैल्प पे लगाकर और अपने ऑयल को बिल्कुल क्लियर कर दें। और बहुत लोगों में मैंने ये आदत देखी है कि बाल धोने के बाद वो तेल लगाते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता है, वो नहीं करना चाहिए।
मुल्तानी मिट्टी कम से कम 2-3 घंटे कम से कम भिगोनी है, जिससे कि वो अच्छे से सोख हो जाए और ट्वाइस ए वीक ये अपना उससे अपने बाल धो सकते हैं। अगले को श्रोता से बात करते हैं, देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो मैम नमस्कार, मैं सुलेख डिस्ट्रिक्ट का नाम से बोल रहा हूँ। जी हाँ बताइए आपका प्रश्न क्या है। मैम जैसे छोटे 10-12 साल के जो है बच्चों के बाल फेड हो जाते हैं, उनके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करें और क्या लगाएं बाल काले हो, और नंबर दो जैसे ये दो में बाल का क्या ट्रीटमेंट है, और नंबर तीन बालों को ऐसा कौन सा तेल लगाएं जिसको अच्छा पोषण मिल सके, और क्या हम खाए पिए जिससे बालों को पोषण मिले। जी जरूर बताएंगे डॉक्टर रीना, ये तीसरा प्रश्न है। पहला ये है कि 10-12 साल के बच्चे के बाल सफ़ेद हो जाते हैं कई बार, उसका क्या ट्रीटमेंट है। जो जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो आप उस बच्चे के नोज में डाल देगा तो बहुत हेल्प करेगा, दूसरा उसकी ग्रेट इम्प्रूव करें कि वो अच्छे से आंवला अपनी ग्रेट में ले, अनाज ले, फ्रूट ले, दूध ले, बना हुआ खाना दे, रिफाइन वगैरह ना यूज करें, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, जैसे पालक है या प्रोटीन है डालें खाएँ। और तीसरी चीज जो है टेम्पू बच्चे भी बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल, उसको कंपेरेटिवली कम करें, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज करें, चीटा का इधर आया रीठा है आंवला है उसको आप मिक्स करके इससे आप एक बार, तो इससे इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और इंटरनली भी आंवला अगर देना चाहेंगे तो वो बहुत हेल्प करता है वाइटनिंग ऑफ हेयर को प्रिवेंट करने के लिए, और अगर ये फिर भी नहीं होते तो फिर एक बार किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट और रीजन में जी। और इनके एक प्रश्न और है कि 2 मुनी बाल जो हो जाते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट है, और जब हम ऑयलिंग करते हैं तो कौन सा तेल ज़्यादा अच्छा है लगाने के बाद। जो 2 मुनी बाल हैं वो भी आयुर्वेद में वायु बढ़ जाने की वजह से होती है, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, तो उसके लिए ऑयलिंग करें बालों में, तो तेल में कुछ लोग ऑयल लगाते ही नहीं हैं आजकल, तो ऑयलिंग से काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जो दूसरा आपने डाइट पूछी हुई थी, तो डाइट्री में भी जैसे मैंने भी बताया कि दूध ज़्यादा ले, आंवला ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, और एक डाइट जैसे ही लोगों की डाइट बहुत बड़ा पोर्शन है वो हेयर के लिए, तो इसको इम्प्रूव करें इसमें डालें नहीं सारी डालें, इससे काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने। अगले एक श्रोता से बात करते हैं। हेलो नमस्कार, बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है जो आपने स्पाइसी फूड की बात की, आज तो आपने स्पाइसी फूड खा ही नहीं पाता है, बच्चे थोड़ा बहुत खाते हैं, पहले जमाने की जो औरतें थी और आदमी थे वो सॉरी डालडा जी थे, और तीन तीन दिन तक शादी में जाते थे, उनको तवे पे भूख तल के जब बच्चा देते उनको खाया करते थे, लेकिन एक बात जरूर होती थी कि छत के ऊपर जाकर वो हरी सब्जी काटती थी, तो जो बच्चे होते थे वो भी खाते थे, चाहे मटर हो चाहे गाजर हो कोई भी चीज हो, साथ में दौड़ की खानी आपस में तेल लगाती थी, और वो भी छत पे जाकर रूम में बैठकर देती थी, खूब मालिश किया करती थी, क्या उसका काले रहने का या लंबे बाल होने का एक मुख्य कारण वो भी है या वो नहीं है। नंबर दूसरा, आज जो लड़कियां हैं जवान जवान लड़कियां हैं 17-18 साल की, वो एक बार सर में तेल लगाएंगे, और ये कहते हैं कि तेल लगाने के बाद एक तौलिया गर्म करके और उसको निचोड़ के सर पे रखना चाहिए, जिससे जो ऊपर का तेल है वो उनकी जड़ों में चला जाए, ऐसा करते नहीं है, सुबह उठी और शाम उससे शैम्पू से धो लिया। पहले हमारे समय में तो शैम्पू हुआ ही नहीं करता था बिल्कुल, शैम्पू कितना हानिकारक है। और तीसरा मेरा ये पूछना है कि क्या कैल्शियम की कमी की वजह से, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, आज तो बच्चे दूध पीते ही नहीं, पांच दूध के अलावा कुछ खाते ही नहीं, कैल्शियम जाते ही नहीं, तो कैल्शियम और पहले एक आयुर्वेदिक आए थे यहाँ पर, वो ये कहते थे कि भाई ये जो दालचीनी है अगर उसका उपयोग किया जाए दूध में चाय में किसी न किसी रूप में, तो उसके जो बाल हैं वो काले भी रहेंगे और उनकी जड़ें भी बहुत मजबूत रहेंगी, ये कहाँ तक ठीक है बताइए बताएं जी। डॉक्टर दिव्या अग्रवाल साहब का पहला प्रश्न है कि स्पाइसी फूड पहले लोग बहुत खाते थे, जैसे डालडा घी में बनी हुई चीज़ें भी खा लेते थे शादी ब्याह में, उनको 2-3 दिन तक इस्तेमाल भी करते थे दोबारा से उसको तल तल के, और छत के ऊपर औरतें जाती थी हरी सब्जियां काटती थी एक दूसरे को तेल लगाती थी, तो काले बालों का क्या ये मुख्य कारण है कि तेल लगाना एक दूसरे के धूप में बैठना ऊपर, तो क्या कारण है काले बालों का? जो मैंने बताया था कि जो
लाइफस्टाइल हम आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले फॉलो करते थे, क्या हम वही लाइफस्टाइल आज फॉलो कर रहे हैं? क्या हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं या वो चेंज हो गई? तो जो आपके जीवन में चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में कुछ तो होती है हेरिडिटी, कुछ होता है एक्वायर करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ, यू नो वी आर एक्वायरिंग फ्यू थिंग्स, वो कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव भी होती है। तो ऑब्वियसली आप आज से 20 साल पहले की अगर बात करें तो पॉल्यूशन भी बहुत कम था जी, ठीक है, आपका खान पान जो था वो भी बहुत अलग था, आपको ताजी चीज़ें ज़्यादा मिलती थी। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो पेड़ से टूटा हुआ सेब है वो अगले दिन आपकी प्लेट में है ना? वो 4 महीने के बाद आपकी प्लेट में है। अब उसको प्रिजर्व करते हैं, अब उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं, या तो प्रिजर्वेटिव्स में प्रिजर्व करते हैं या उनके ऊपर कोटिंग्स होती हैं चीज़ों की, या जब वो उग रहे होते हैं वो तभी उन लोगों को उसके इतने केमिकल्स दे दिए जाते हैं कि उसकी शेल लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अब वो चीज़ें जब आपका, या तो आपका ये है कि ऑन अ बेसिस कि आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेम है और हमें ये सब साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तब तो मुझे ये चीज़ समझ आती है। जब आपका लाइफस्टाइल ही सेम नहीं है, जब आपका खान पान ही सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो आपकी बॉडी में हो रही हैं वो भी सिमिलर नहीं है जो आज से 20 साल पहले होती थी। सेकेंडरली पहले क्या था कि लोग बालों में कलर्स कम करते थे, शैम्पू का यूज़ कम करते थे, डाई कम लगाते थे, और जो अब मेहंदी भी आती है वो बहुत नेचुरल होती थी। आजकल जो नॉर्मल फीमेल्स मेहंदी भी लगाती हैं अपने बालों में कि जिनके सफ़ेद हो गए मेहंदी लगा रही, उसमें भी कलर नहीं थे जी। तो वो हाँ, वो भी बहुत बड़ा कारण है कि आपको ये सब बालों की जो तकलीफें हैं वो बढ़ती हैं। पहले क्या होता था, मेहंदी इसलिए लगाई जाती थी कि बालों को एक तरीके का कंडीशनर मिलता था कि आपको यू नो कि कलर तो सेकेंडरी था, प्राइमरीली आपके बालों को बहुत सॉफ्ट मुलायम बना देता था कि आपने लगाया, या मुल्तानी मिट्टी लोग यूज़ करते थे या लोग मीठी सिर में लगाते थे। अब आजकल किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, तो आजकल फास्ट फॉरवर्ड दुनिया है, लोग शैम्पूज लाते हैं मार्केट में, नया ऐड आया है, दे कहते शैम्पू वो वॉश करते हैं, 2-3 वॉश तक आपके बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि कोई भी केमिकल है जब आप उसको बॉडी में पहली बार यूज़ करते हैं तो वो आपको बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो आपकी बॉडी का पीएच उसके अकॉर्डिंग चेंज होने लग जाता है, उसके बाद आपको उसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू होते हैं। तो यही ये एक बहुत बड़ा कारण है। पहले तो चीज़ है कि आप अपना लाइफस्टाइल बदलिए, खान पान बदलिए, वो बहुत ज़रूरी है। अब रही बात, अब वो पूछ रहे हैं कि क्या कैल्शियम की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं? ऑब्वियसली जो हम फ्रूट खाते हैं, या आजकल के कितने बच्चे दूध पीते हैं? नहीं पीते हैं, दूध से बने हुए प्रोडक्ट नहीं खाते, ड्राई फ्रूट्स बच्चे नहीं खाते हैं, उनको मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं कि जो खीर भी बनी होती है उसमें से भी ड्राई फ्रूट्स निकाल के ट्राई कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें, ये सब न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो बेसिकली ये जो आपका बाल होता है इट इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटीन। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है और या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो क्या होता है जो आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो न्यू प्रोडक्शन होता है, ये जो पुरानी चीज़ें आपके शरीर में हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं, यू नो उनका लक्ष्य ड्रेन ऑफ होने लग जाता है, और धीरे धीरे उसको रिप्लेस करने के लिए नए उतने अच्छी क्वालिटी वाले बाल नहीं आते हैं, तो वो आपकी क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो लाइफस्टाइल जो है, जो आपका खान पान है, उसको तो हम ध्यान में रख सकते हैं। जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जैसे पोल्यूशन हो गया या एक्वायर्ड, उनको ये है कि हम उनको एटलीस्ट, अगर हम 100% तक नहीं कर सकते, एटलीस्ट 40% तक हम अपनी इन्फ्लुएंस से उस पर थोड़ा चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑल टुगेदर फॉलो करनी चाहिए। डॉक्टर रीना, जैसे इन्होंने ये पूछा है कि दालचीनी का उपयोग कहा गया है कि बाल उससे काले रहते हैं, तो ये कितना हद तक सही है? दालचीनी नो डाउट बहुत अच्छी है बॉडी के लिए, बट बाकी चीज़ें ना करके अगर केवल दालचीनी अगर ले तो वो ठीक नहीं है। तो जो बाकी कारण है, जैसे कि डॉक्टर ने बताया, डाइट्री जो एडवाइजेस हैं वो भी फॉलो करनी है, शैम्पू भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ऑयलिंग भी करनी है, साथ आप दालचीनी यूज़ करके भी सोचते हैं। मैं एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे शैम्पू की बात हम कर रहे हैं और अभी जैसे डॉक्टर दिव्या ने बताया कि समय की कमी होती है हम लोगों को, तो हम शायद आंवला रीठा ये सारी चीज़ें नहीं खुद से कर सकते हैं, तो कई शैम्पूज में ये लिखा हुआ आता है कि इसमें आंवला है रीठा है, तो वो शैम्पू यूज़ करना चाहिए या हमें वाकई आंवला लेके या शिराकाई का पानी निकाल के या रीठे का पानी निकाल के वो इस्तेमाल करना चाहिए? दोनों में कौन सा बेटर है? जिस
से शैम्पू में आजकल मार्केटिंग गिमिक्स बहुत है, हर एक चीज में तीन चार प्लांट मेंशन कर देते हैं, तो पता नहीं उसमें कितनी क्वांटिटी में है और है भी कि नहीं, तो इसलिए उस पर ट्रस्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बेटर है ये जो अगर इनको आप सिर्फ इनके पाउडर्स ले लें और रात को उसको भिगो दें, सुबह आप सिंपल उसको अच्छे से हिला के और फिर में डाल दें, तो ये भी सफिशियंट है, उसमें ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं करना आपको जी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, कम से कम आप एक प्योर चीज़ यूज़ तो कर पा रहे हो जी। शैम्पू में कितना उन्होंने टॉक्सिक वगैरह डाला है आपको नहीं पता, कितने प्लांट्स हैं ये तो आप सोच सकते हो, तो इससे बेटर है अगर आप ये नेचुरल चीज़ें यूज़ करो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है फिर जी, तो इसका मतलब हमें ये नेचुरल वे में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगले श्रोता से बात करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। मैडम जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप, अपना नाम बताइए। मैडम जी मेरा नाम ब्रह्मदत्त है, मैं दोबारा से प्रश्न पूछ रहा हूँ जी। ब्रह्मदत्त मैं मंगोलपुरी दिल्ली से मैम बोल रहा हूँ, मेरी ना मैम कुछ उत्सुकताएं हैं लक्ष्मी रूपी। पहला है बालों में जूं हो जाती हैं, इसका हम आयुर्वेद से या घरेलू उपचार से कैसे निदान कर सकते हैं। दूसरा है जो बालों को मशीन से सुखाती हैं महिलाएं, तो वो कितना उपयुक्त तो होता है, सही होता है सपा वगैरह में भी। और ये मैम जो गंजापन होता है क्या ठीक किया जा सकता है। मैम मैं बालों में ना दही का प्रयोग करता हूँ, तो वो क्या सही है। और मैम एक अंतिम प्रश्न है, जो चेहरे पर और हाथ पैरों पर ना हम लोग धागा लगवाते हैं रेजर भी वैक्स भी, तो कितना सही होता है, स्थायी उपचार है क्या ये, अनचाहे बालों में डालने का। धन्यवाद जी, जरूर बताएंगे डॉक्टर दिव्या। इनका पहला प्रश्न है कि बालों में से जूं हो जाती है तो उसका कोई घरेलू उपचार या आयुर्वेदिक उपचार। हाँ, जैसे घरेलू उपचार में है आपका नीम ऑयल आता है, आप नीम ऑयल को अपनी जड़ों में लगाइए, अच्छे से रूई से जड़ों में आपको लगाना है और उसको 2-2.5 घंटे के लिए आप बालों को अच्छे से चारों तरफ से ढक दीजिए, या कोई पॉलिथिन उसके ऊपर या वॉट एवर आजकल तो शार कैप्स आती हैं वो लगा के आप उसको छोड़ दीजिए। ये आप बीच में एक बार पीजिए 1 महीने तक, तो आपकी समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। क्योंकि देखिए जुएं क्यों होती हैं, बेसिकली हाइजीन अच्छा नहीं है, गंदगी से होती हैं, और दूसरा देखिए क्या होता है, सांस पर भी होती है, तो ऐसे लोगों की संगति प्लीज आप छोड़े जिनके आपको लगता है कि उनके सिर में जुएं हैं। और दूसरा ये है कि जैसे फीमेल्स में है या बच्चियों में है, उन लोगों का ये है कि छोटे बाल होते हैं या बड़े बाल होते हैं, तो उनके बाल खुले रखना ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। और जो वन हेड टू दूसरे हेड इसका ट्रांसफर होता है बेसिकली, जो वो तो आप बच्चों में देखिए प्रिवेंट करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, बड़े तो फिर भी एक तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये है कि उनको 1 से 20 आप नीम ऑयल लगाइए और अच्छे से उनको एक जो पतले बालों वाला बालों का जो कंघा पतला सा आता है उससे आप अच्छे से करिए। और देखिए मार्केट में जो शैम्पूज आते हैं उनमें केमिकल तो होता ही है। दूसरा ये है कि अब बहुत ज़्यादा अगर है तो ऑब्वियसली आपको यूज़ करना ही है, क्योंकि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये झड़ने लग जाती हैं, ये कपड़ों में भी हो जाती है। तो उसके लिए ये है कि गर्म पानी में आप डिटॉल में या सेवलॉन में अपने कपड़ों को थोड़ा अच्छे से धो लें, हाँ, और अपने हाइजीन का ध्यान रखें और नीम का तेल लगाएं, वो भी बहुत जरूरी है कि आवश्यक यही है कि साफ रहे। दूसरा इन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि बालों को जैसे सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं मशीन का, तो वो कहाँ तक सही है। देखिए आप ड्रायर जो है देखिए हार्मफुल तो है, बिकॉज अगर आजकल 2 तरीके के ड्रायर आते हैं, तो कोल्ड एयर ड्रायर आता है और एक आता है आपका हॉट एयर, तो हॉट एयर वाला ज्यादा हार्मफुल है। ड्रायर इज नथिंग, क्या है, एक फास्ट स्पेस में एक तरीके की एयर जो है इससे फैन जो आप अपने बालों के पास लाके यूज कर रहे हैं, तो अगर आप ठंडा वाला यूज करते हैं तो वो हार्मफुल इतना नहीं होता है जितना कि गर्म हार्मफुल होता है। गर्म से क्या होता है, वही जड़ें कमजोर होती हैं आपकी और बाल झड़ने आपके शुरू हो जाते हैं। तो ये है इन सब चीजों का जितना कम से कम उपयोग करें, नेचुरली बालों को सूखने दें, क्योंकि क्या होता है बालों को जब आप धोते हैं उसमें वो जो मॉइस्चर रिटेन करता है, अच्छा आपके मॉइस्चर खत्म करता है ड्रायर बेसिकली। अगर आप उसको जल्दी सुखाएंगे तो आपका जो मॉइस्चर होता है बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाता है, तो उसको नेचुरली सूखने दें, वो ही सबसे अच्छा है जी। डॉक्टर रीना इनका तीसरा प्रश्न ये था कि क्या गंजापन ठीक किया जा सकता है। अगर उस पर हरेजी नहीं है और स्टार्टिंग में ही आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया है तो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी थेरेपीज हैं आयुर्वेद में, रिलीफ थेरेपी है उसको यूज करते हैं गंदगी को दूर करने के लिए, लीकेज लगाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए दिक्कत नहीं, और कुछ मेडिसिन अगर इनकी लोकल एप्लीकेशन करते हैं तो काफ़ी हद तक गंजापन इम्प्रूव हो जाता है। डाइट इम्प्रूव करने से फर्क पड़ता है,
तो इसके लिए बेटर है कि डॉक्टर कंसल्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ बिना उसके परामर्श के ये बता नहीं सकते हम। और जैसे इन्होंने पूछा है कि दही का प्रयोग करना, दही का प्रयोग करना ठीक है बालों के लिए, अच्छा है वो। अगर बीच बीच में एक बार अगर दही लगाते हैं उसको पानी से धो देते हैं तो इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर आल्सो और कंडीशनिंग भी होती है। और इनका एक प्रश्न ये था कि जैसे आजकल अनचाहे बालों को रिमूव करने के लिए रेजर इस्तेमाल किया जाता है और वैक्स इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कहाँ तक सही है, किया जाना चाहिए या इसके लिए एक्चुअली क्या है, जो फेस का अक्सर गर्ल्स के फेस का अक्सर बाल आते हैं, बेसिक प्रॉब्लम को रिमूव करवाना चाहिए। पीसीओडी की वजह से यूजली फेशियल हेयर जाते हैं, तो अगर आप वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको दूर करवाएंगे तो ये बाल वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं लेजर या वैक्सिंग जो है ये लास्ट ऑप्शन है। पहले आप उस डिजीज को दूर कीजिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। जी, पहले कारण खत्म किया जाना चाहिए। हाँ, बेसिकली आपको एस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी में, क्योंकि वो एक फीमेल हार्मोन है जो आप फीमेल्स में जितनी भी जगह होती है, जो ओपन जगह है ना, बेसिकली फेस हुआ, हाथ हुआ या जो भी है, वहाँ पर बाल से प्रोटेक्शन के लिए है तो बहुत कम होते हैं, रोए के रूप में होते हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ आपका एस्ट्रोजन लेवल आजकल ये है, डाइट में भी आपका कम है और आपका वैसे भी लाइफ स्टाइल भी ऐसा है, पीसीओएस इज अ वेरी बिग रीजन। और आप पीसीओएस जो होता है वो एक इनिशियल स्टेज है टू बी अ फ्यूचर डायबिटिक, बिकॉज उसी से आपका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है एंड लेटर ऑन, इसीलिए आपको इनिशियली आप इन सब चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लें वो बहुत जरूरी है। एक और इनका कुछ सजेस्ट रह गया था, इन्होंने पूछा था कलर कितना हार्मफुल है। जी जी, कलर नेचुरल है, हार्मफुल है। अगर वह किसी के बाल सफेद हो रहे हैं तो बेटर मेहंदी फिर भी एक सेफ ऑप्शन है, उसमें भी फैट मेहंदी परचेज ना करें। कुछ कंपनी है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगी, अगर हम उनकी मेहंदी भी देखें तो उसमें डाई मिक्स है, जैसे कि डॉक्टर ने बताया था। तो बेटर है कि आप प्लेन सिंपल मेहंदी लीजिए और उसको आप लगाइए, तो इससे आपके जितना कलर हो सकता है उसका डिशन जी जो कलर से हार्म होना हो वो वाइट से भी सकता है उनका। अगले एक और श्रोता से बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, राजेंद्र बोल रहा जी हाल से। जी राजेंद्र जी, बताइए आपका प्रश्न क्या है। मेरा प्रश्न ये है, जैसे बालों में खुजली हो जाती है, जैसे उसमें भी क्या बाल झड़ने की ज्यादा संभावना है। दूसरा, आजकल जो बहुत ज्यादा कलर करने लगे तो इसमें भी बालों का क्या ज्यादा असर पड़ता है। दूसरा, आए बहुत ज्यादा आजकल आँखों के ऊपर कराई जाती है, आँखों में भी इसका कितना फर्क पड़ता है, ये जानना चाहूंगी जी। जी डॉक्टर रीना, अभी आपने ये चीज बताई है, कृपया करके दोबारा बता दीजिए कि इनका पूछना ये है कि जो खुजली होती है बालों में, क्या उससे बाल झड़ते हैं और कलर का क्या असर पड़ता है, क्या दुरुपयोग पड़ता है आँखों पे, बालों पे सर। खुजली जो है ये रुचि की वजह से भी हो सकती है। अगर आपके बालों में रुचि है, जैसे मैंने पहले बताया कि आप खरड़ का पाउडर लेके उसको दूध में एक पेस्ट बना के उसको रूट में लगाइए और सिंपल पानी से धो दीजिए। और अगर ये कारण नहीं है तो आप नीम का पानी बॉईल करके नीम के पत्तों को, वो पानी आप सिर में डेली डालने की कोशिश, तो ये ठीक हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। और दूसरा प्रश्न जो मैंने पूछा है कलर का, वो भी मैंने बताया, कलर हार्मफुल है बालों के लिए। अगर आपको बाल सफेद हैं, उनको आपको सफेद अच्छे नहीं लग रहे, तो बेटर ऑप्शन है कि आप मेहंदी लगा लीजिए। तीसरी एक और चीज़ ये है, अगर आप लोहे की कढ़ाई में चिपला का पाउडर भिगो के रखें तो बहुत ज़्यादा रेड ब्लैक हो जाता है, वो एक चम्मच चिपला उसमें भिगा हुआ दो तीन दिन, उसके बाद उसमें आप मेहंदी डाल के लगाइए तो उसके जो कलर है वो रेडिश नहीं आएगा मेहंदी का, उसका एक बड़ा प्यारा सा ब्लैकिश कलर आता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इससे आंखों पे भी असर पड़ता है कलर से। अगर कलर से सही करना चाहते रेड इफेक्ट पड़ता है, और जो ये बता रही है चिपला और मेहंदी, इससे आंखों पे कोई कोई असर नहीं पड़ता है। अगले श्रोता से बात करते हैं, देखते क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं रिंकू बात कर रहा हूँ। जी हाँ बताइए, आपको प्रश्न क्या है। मैम मेरी प्रॉब्लम ये है कि क्या है कि जो साइड पर थोड़ा कितने मेरे बाल उड़ रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे बाल सारे उड़ रहे हैं, वो तेजी से टूट जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए अगर आपके पास कोई बैठक भी आप बताइएगा। डॉक्टर दिव्या, इनके प्रश्न का उत्तर आप दे दें कि एक साइड के बाल इनके उड़ रहे हैं और टूट भी रहे हैं, तो क्या करें, उपाय है। देखिए बाल टूटना मतलब बाल टूटना एक ही बात होती है, और दूसरा क्या है, देखिए बाल जो टूटते हैं आपके, बेसिकली जो झड़ते हैं बाल, उसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपका। बहुतों का ये है कि हेरिडिटी भी होती है,
क्योंकि बाल्डनेस जो बेसिकली होती है वो अब आपको उसको डायग्नोज करना होगा. बालों का झड़ना इज नॉट बाल्डनेस. अगर आपका ये है कि वहाँ पे बिल्कुल स्किन प्लेन हो जा रही है, फॉलिकल्स बिल्कुल रिमेन नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये है कि हाँ भाई वहाँ से बाल बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, जड़ से ही ख़त्म हो रहे हैं. और अगर बाल झड़ रहे हैं और बाल आ जाते हैं तो दैट इज़ नॉर्मल. जिनमें सौ बालों का झड़ना इज वेरी नॉर्मल, उसको उससे ज़्यादा अगर झड़ते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चिंता का कारण होता है. तो अब ये तो पेशेंट को देख के पता चलता है कि आप उनके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है. अब ये बोल रहे हैं कि बाल झड़ रहे हैं या साइड से ख़त्म हो रहे हैं. अब ख़त्म होके या तो वहाँ पे बिल्कुल स्किन रह जा रही है, तो बिल्कुल बाल हो रहे हैं, या फिर ये है कि वहाँ पे ये है कि झड़ते हैं और फिर थोड़े थोड़े बाल आने लग जाते हैं. दूसरा, ये बहुत सारी थेरेपीज होती हैं आजकल, जैसे हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में भी, पंचकर्म में भी बहुत सारी थेरेपीज होती हैं. तो आप किसी थेरेपी सेंटर में जाएं और ये ले सकते हैं. आपका क्या है, सर्कुलेशन कम है, ऑयलिंग करें, थोड़ी सी इसकी मसाज हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ भी नहीं, क्योंकि वो भी जड़ों को कमज़ोर करता है. बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग सिर में तेल लगाते हैं और दो दो दिन रखते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती है. या सिर में तेल लगाते हैं और उसको बहुत प्रेशर के साथ अपने बालों में जो है मसाज करते हैं, उससे भी बाल झड़ते हैं. दूसरा, एक ऑयल होता है बेसिकली कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल और बादाम का तेल जो होता है, इन तीनों को अगर मिलाकर आप अपने बालों की जड़ों में लगाइए तो जो झड़ना होता है वो भी कम होता है और जो आपके नए बाल आते हैं वो भी बहुत जल्दी आते हैं. इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल. आपका एक चम्मच कैस्टर ऑयल ले लीजिए, हल्की सी उससे कटोरी गर्म कर लीजिए, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो होता है वो बहुत ठीक होता है. उसको आप जब गर्म कटोरी में डालेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो नॉर्मल ऑयल की तरह हो जाती है. फिर उसमें दो चम्मच ऑलिव ऑयल और आपका एक चम्मच आपका बादाम का तेल डालिए और उसको अच्छे से मिक्स करके आप रूट में लगाइए और दो चम्मच उसको रखिए और किसी भी वाइल्ड शैम्पू से या किसी भी आयुर्वेदिक चीज से या आंवला सीकर चाहिए किसी से भी आप उसे वॉश कर लीजिए. इससे तो बालों का झड़ना भी कम होगा और नए बाल भी जो आपके जल्दी काफ़ी अच्छा कर दिया आपने. अगले शुक्र से बात करते हैं. हेलो, नमस्कार जी. नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं साथ से बोल रहा हूँ. जी हाँ, बताइए आपका प्रश्न क्या है. पसंद है जी, स्किन में ना कुछ मूड प्रॉब्लम है और कुछ चेहरे पर भी है, तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई लेजर क्या डालनी पड़ेगी, तो वो हेमानी सी या एजिटिक प्रॉब्लम. और दूसरा, अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए. जी डॉक्टर, ये ना इनका प्रश्न है कि इनके सर में मूत हो गए और चेहरे पे भी हो गए और लेजर से कहा गया है कि वो रिमूव होंगे, उसका क्या आयुर्वेदिक कोई ट्रीटमेंट है. जी, इसका आयुर्वेदिक में ये देखने का मैंने एक्सरसाइज किया है और आयुर्वेद में कुछ हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं कुछ मेडिसिन से. तो बेटर है क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएँ और फिर उसकी दवा लें तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल किए जा सकते हैं. अगर ये स्टार्टिंग पता लगेगा कि किस तरह. और इनका दूसरा प्रश्न है कि जैसे अनवांटेड हेयर है उसको कैसे रिमूव किया जाए. अनवांटेड हेयर के लिए भी बहुत मेडिसिन रहती हैं जिनको पहले डॉक्टर के अंदर लीजिए, क्योंकि वो ऐसे कहीं भी अगर अप्लाई नहीं कर सकते. पहले वो एक एरिया पे लगा के उनको टेस्ट करेंगे, अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब आपको लगा सकते हैं. अदरवाइज एक दो कंपनी से ऑयल से आते हैं जो लोन का उसको ये हेयर रिमूव करने के लिए. तो अगर आप सिर्फ ऑयल लगा लेंगे तो आपके अनवांटेड हेयर काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ ही कम हो जाएगी. जी, और इन्हें किसी से परामर्श कर लेना चाहिए किसी आयुर्वेदिक सेंटर से जो इनके घर के आसपास हो. अगले एक और श्रोता का फोन लेते हैं. हेलो, हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी आ रहे साहब, बताइए आपका प्रश्न क्या है. जी आपको भी नमस्कार. जी आपको बहुत बहुत नमस्कार. जी अभी हमारे विशेषज्ञों में बहुत सारी जानकारी आती है, कई तरह से उनकी जानकारी भी प्राप्त था हमने. अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे बालों की समस्या कई प्रकार से आप देखते हो, सूखने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, कहते हैं उनके नहीं. तो हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि हम खान पान में क्या चीज में वो क्या सत्य है जिनकी कमी से हमें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है. दूसरी बात ये है कि हमारे शरीर की जो प्रक्रिया है उन सत्वों को बनाने की और उनको निष्क्रमण की,
वो उसके उसे हम कैसे मजबूत और मजबूत रखें। एक ये बताएगा कि जो बाल कमजोर हो जाते हैं उनमें हम कौन सा ऑयल लगाए, क्या लगाए कि वो मजबूत करो। जी जरूर बताएंगे डॉक्टर दिव्या। अभी आपने ये प्रश्नों के उत्तर तो दिए हैं, बट एक बार फिर से बता दीजिए इनको कि ये पूछते हैं बाल उड़ जाते हैं, कमजोर होते या उगते नहीं है, तो खान पान में ऐसी क्या कमी है जिसको हम ठीक करें और हमारी ये समस्या दूर हो जाए। देखिए हमारी बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है जैसे आप एक इमारत बनाते हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है तो वो प्रोटीन होता है, है ना। तो अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो उससे जो भी चीज़ें आपके शरीर में बनती हैं उनकी प्रोडक्शन तो होगा लेकिन वो सब स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि जब उसका रॉ मटेरियल ही आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन हम कैसे उसको आप तोड़े, है ना, उसकी पूर्ति नहीं है। तो आप इसको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। देखिए आजकल क्या है, मैंने देखा है लोगों का कि वैसे भी इंडियन डाइट जो है हमारा, जो हमारा जो यहाँ का खान पान है वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच होता है या फैट रिच होता है, उसमें प्रोटीन की कमी होती है। तो हमारी बॉडी वेट के हिसाब से 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें जो है वो प्रोटीन अपने शरीर के लिए लेना होता है जो नेसेसरी है, जो हम लोग नहीं ले रहे। ऑब्वियसली कोई भी नहीं ले पाता इतना। एक अगर आप टोटल आप कैलकुलेट करें कि आप दिन में कितना खा रहे हैं तो आप 20 या 30 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं खा रहे, विच इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको जो प्रोटीन है जैसे दालें हो गई, आपका पनीर हो गया, दूध हो गया, मट्ठा हो गया, आप ये सब चीज़ें जो होती हैं, पहले क्या था ये एक बहुत अभिन्न अंग होती थी आप जो खाना खाते थे। आजकल क्या है इतनी फास्ट पेस लाइफ है, सोचते घर में एक सब्जी बन गई रोटी उसे हमने खा ली, तो उससे क्या हुआ जो आपने सब्जी बनाई उससे उतना सफिशियंट प्रोटीन नहीं है जो ज़रूरी। और रोटी तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही है या चावल जो आप उसके साथ खाते हैं। तो आप नॉर्मली चीज़ें आप या तो अपना ब्रेकफास्ट ही बनाएं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो तो अंडा और चिकन वगैरह लेते हैं तो उससे फिर भी उन लोगों को मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि दाल हो गई, ड्राई फ्रूट हो गए, दूध हो गया, पनीर हो गया, मट्ठा हो गया, इन सब चीज़ों को इंक्लूड कीजिए आप अपनी डाइट में, क्योंकि अगर आप ये सब दिन में कम से कम आप 200-300 ग्राम जो है दही आपने खाना ही खाना, आप दोपहर में खाइए, रोज़ाना ताज़ा दही जमाइए। अगर आप 300 ग्राम दही खा रहे हैं तो उसमें कितना प्रोटीन आपको मिलेगा, 40 ग्राम, 30 ग्राम, दैट्स इट। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जो थाली होनी चाहिए उसमें एक कटोरी सब्जी भी होनी चाहिए, आपको उसमें दही होना चाहिए, अगर आपके पास दही नहीं है तो आपकी एक कटोरी दाल होनी चाहिए, आपका सलाद होना चाहिए, भले ही आप एक रोटी कम खाएं, लेकिन इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में आप इंक्लूड करें। बादाम खाइए, और जो बादाम में जो तेल होता है या बादाम में जो प्रोटीन होता है वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी होता है, वो आपके बालों के लिए भी अच्छा होता है, वो आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है, वो आपके मसल्स के लिए भी अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों को आप अपने खान पान में जो है इंक्लूड कीजिए, ये बहुत नेसेसरी है। और अगर आप अंडा खाते हैं तो डेली एक अंडा खाइए, उससे भी आपका ब्रेन का। दूसरा प्रश्न ये था कि तत्वों को बनाने की प्रक्रिया जो है बेसिकली आप मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म को मजबूत करना है तो आपको अपने लिवर को मजबूत करना है, क्योंकि आपके शरीर का जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो बेसिकली आपके लिवर में होता है। तो आपको लिवर के लिए क्या होता है, आप पपीता खाइए वो बहुत अच्छा होता है। देखिए आप जैसे डॉक्टर ने भी बोला कि आंवला लीजिए, आंवला भी बहुत अच्छा होता है। पानी अपना जो है जो वाटर इनटेक है वो बहुत नेसेसरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं सब कुछ करते हैं और पानी भूल जाते हैं। पानी भी अगर 80% आपकी बॉडी पानी से बनी हुई है तो उसको भी आपको रेप्लेनिश अपनी बॉडी में करना ही करना है, पानी लीजिए। और जो लीवर के लिए बहुत सारे आजकल लीवर टॉनिक्स भी आते हैं, वो सब चीज़ें उस चीज़ के लिए मैडम उससे थोड़ी जानकारी हमें देंगी हमारी जो डॉक्टर है, और बाकी खान पान मैं आपको बता सकती हूँ, वो मैंने आपको बताया, इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। डॉक्टर जी ना बताइए जी, लीवर के लिए अदरक बहुत अच्छी है, अगर हमें अपनी लीवर को स्वस्थ रखना है। बासी खाना मत खाइए अगर लीवर को स्वस्थ रखना है। फ्राइड बहुत ज़्यादा मत खाइए अगर आपको लीवर अपना हेल्दी रखना है। कुछ लोगों की डाइजेशन अच्छा करती है, प्रॉब्लम बेसिकली लीवर में होती है कि लीवर ठीक काम नहीं कर रहा है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है तभी लीवर पर उससे बहुत ज़्यादा ओवरलोड डालते हैं, सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसलिए अगर वो अपनी डाइट में जिंजर को इन्वॉल्व करें, अदरक को इन्वॉल्व करें तो लीवर का एक्शन बहुत अच्छा रहेगा। आंवला लीवर के लिए बहुत अच्छा है, अनार लीवर के लिए अमृत है,
किसी को अगर जॉन्डिस भी हो जाता है तो ऑमलेट खाने के लिए बोलते हैं हम, अनार खाने के लिए, इवन डाइट के भी काफ़ी हद तक लीवर के जो टेस्ट है वो नॉर्मल हो जाते हैं पेशेंट्स के। मेडिसिन तो पार्ट प्ले करती हैं, और मेडिसिन में एक कॉमन सी मेडिसिन मैं बता रही हूँ, गिलोय आप ले सकते हैं लीवर को ठीक रखने के लिए, उसका पानी पी सकते हैं या उसका टैबलेट्स भी रखने में ले सकते हैं। जी, इसका मतलब खान पान और पानी सही मात्रा में लिया जाना चाहिए। और इनका एक प्रश्न और था कि जैसे ऑयल है, अभी डॉक्टर दिव्या ने बताया था कि कैस्टर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, बादाम ऑयल हो गया, तो ये कितना मिक्स करना चाहिए एक बार फिर से बताइए कि कौन सा ऑयल सही है, ये पूछ रहे हैं बालों में लगाने। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जैसे डॉक्टर ने बताया था वो भी ठीक है कि एक चम्मच कैस्टर ऑयल डाल लीजिए उसमें, दो चम्मच ऑलिव ऑयल, एक चम्मच बादाम का तेल। अदरवाइज अगर ये इतना अफोर्ड नहीं करते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली होगा तो नारियल का तेल लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर मैं से पूछूँ तो तिल का तेल दुकानों के लिए अच्छा है। जी जी, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। अब एक और श्रोता से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, मैं मीना बोल रही हूँ। मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था। जी मीना जी, ये जो डाइट आप बता रहे हो, दाल सब्जी रोटी ये सब तो हम लेते हैं, सलाद थोड़ा कम होता है, लेकिन ये पूछना चाह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं हम लोग का होता है कि सिर धोया और उसके जब बाल सूख गए तो हम तेल जरूर लगाते हैं, वरना हमारा सिर भारी होता है, दर्द होता है और सूखेपन से खुजली होती है, तो हम उसके बिना कह नहीं सकते, और आप कह रही है तेल मत लगाओ, तो ये समझ नहीं आई बात कि उसके बाद पॉल्यूशन मिलके हमारा क्या सिर को खराब कर सकता है। हाँ जरा देखिए क्या है, आपको ये नहीं बोल रहे कि तेल मत लगाओ, आपको बोल रहे हैं धोने से दो घंटा पहले तेल लगाओ, तो जितना तेल आपकी स्किन को बालों को जरूरत है वो उतना रिटेन कर लेता है। अब जो तेल एब्जॉर्ब हो गया तो वो तो आप कितना धो लीजिए वो तो निकलेगा नहीं, है ना, तो और तो आप बाल धोने के बाद सूखने के बाद आप लगाते हैं वो हार्मफुल होती है, आदत पड़ चुकी है डॉक्टर दिव्या सर धोने के बाद तेल लगाने की, इसलिए शायद भी ये महसूस होता है कि उसके बाद अगर मैं तेल ना लगाऊँ तो मेरे बाल सूखे हो जाते हैं और मेरे सर में दर्द होने लग जाता और खुजली। नॉर्मल सी चीज़ें उसके लिए तो फिर यही बोलेंगे कि अगर आपको बाल धोने के बाद तेल लगाने की आदत है तो आप थोड़ा क्वांटिटी में कम लगाएं और आपको जो है फिर आपको एक दिन छोड़कर एक दिन बाल धोएंगे ये कर सकते। और अगर ये नोज में ऑयल डालेंगे तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कुछ हद तक, क्योंकि फिर में वीकनेस की वजह से भी फिर ऑयलिंग करते हैं लोग, अगर उससे रिलीफ मिलता है उनको, रूटीन में अगर नोज में ऑयल या बच्ची में डालेंगे तो ये इनको तेल लगाने की इच्छा कम होगी क्योंकि वो न्यूट्रिशन मिलेगा उसको। ये डॉक्टर ना कितनी बार ऑयल डालना चाहिए, डेली डालना चाहिए, इसके प्रतिमास मत बोलते हैं आयुर्वेद में, ये एक दिनचर्या के अकॉर्डिंगली आता है, हमें जो दिनचर्या हमारे होनी चाहिए उसका एक पार्ट है, हमें नोज में ऑयल डेली डालना चाहिए, ये सिर्फ हेयर के लिए नहीं, उससे हेयर वाइट नहीं होते, पॉलीमर हेयर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आइज की स्ट्रेंथनिंग होती है, हमारे फेस का ग्लो मेंटेन रहता है, अगर इसी को यूज मेंटेन करना है तो बच्चे बहुत अच्छा है उसके लिए, मतलब अगर आप 10 तरह के कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं तो उसका एक सिंगल सब्सिट आप मुझसे पूछी चलिए, तो ये इतना इफेक्टिव है, तो ये सिर पर तेल लगाने की बजाय अगर नोज में डाल लेंगे तो उनको उससे भी बेटर कुछ नहीं है, ऐसा करके देख सकते हैं कितना आराम से मिलता है, क्योंकि एक एज में क्या होता है वायु बढ़ जाती है तो वो सिर खाली हो जाता है, तो फिर वो तेल लगा के उनको रिलीफ करता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए अगर देसी उसे देसी ही लोग निकाल देते हैं जो ऐड होने बढ़ती है जी। अगले कॉल होता से बात करते हैं। हेलो हेलो नमस्ते मैम, कौन बोल रहे हैं आप, अपना नाम बताइए। मैम मैं शुभम बोल रही हूँ। जी हाँ बताइए, आपका प्रश्न क्या है। मैम मेरी उम्र 24 साल है। हाँ तो मेरे सिर में ना तेल काफ़ी निकलता है, लेकिन मैंने आज शैम्पू किया है तो कल तक मेरे सिर में ऑयल आ जाता है, और इसमें डैंड्रफ भी काफ़ी है, जिंदो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है अभी भी डैंड्रफ है हल्का सा, और इस मौसम में बाल भी काफ़ी झड़ रहे हैं, तो आप ये बताइए इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है कि उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने दवाई भी मेरे को कुछ क्वेश्चन पड़ा है और काफ़ी है। जी जरूर बताएंगे डॉक्टर रीना, इनका प्रश्न ये है कि इनके बाल काफ़ी ऑयली हैं और सिर धोने के बाद भी एकदम से ऑयली हो जाते हैं और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आती है और बाल इस मौसम में बहुत झड़ रहे हैं, तो ये इसका क्या उपचार करें। डैंड्रफ के लिए जो मैंने पहले बताया है, हरड़ का पाउडर लेके दूध में मिक्स करके उसको रोज में लगाएं और नीम का पानी में बॉइल करके उससे सिर अच्छे से वॉश कर सकते हैं, इससे इनका बाल स्किन खत्म होगी, स्किन भी कम होगी और ड्राइनेस आएगी, कॉर्डिनेस ज़्यादा है,
और इसी के लिए कॉल मैं इनको कर रही हूँ। अगर ये आंवले का पाउडर भी देते हैं आपको सुबह वो पानी में डेली डाल लें तो उससे भी इनके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम उनसे कम होगी। जी एक और श्रोता फोन पे है हमारे, देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी देवकी नंदन जी नमस्कार, बताइए। सबके बाल घुंघराले होते हैं, कारण क्या है? परिवार के पूरे परिवार के बाल घुंघराले होने का कारण बताए। देवकी नंदन जी का प्रश्न ये है डॉक्टर दिव्या कि दादा से लेकर पोता तक सबके बाल घुंघराले होते हैं, इसका कारण क्या है घुंघराले बाल? देखिए वो तो उन्होंने आंसर खुद ही कर दिया, दादा से पोते में पोते में मतलब वो आनुवंशिकता है, तो व्हाट टाइप ऑफ हेयर यू हैव, ये देखिए जो नेचुरल होता है उससे कहीं ना कहीं वो आपका आनुवंशिक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसा ही रहेगा। आपका ये है कि अगर बाल पहले अच्छे थे और खराब हो रहे हैं तो उसका सोल्यूशन तो हो सकता है, लेकिन जो फ्रॉम द बिगनिंग सेम। और दूसरा क्या होता है, बाल घुंघराले जो होते हैं या कर्ल्स जो आते हैं या बाल फ्रिजी जो होते हैं उसका एक रीजन ही होता है, मॉइस्चर की कमी भी एक रीजन होता है जो लोगों के बाल, तो ये अच्छे से ऑयलिंग कीजिए। अगर आपकी बालों का जो है अगर आउटलुक अगर घुंघराला है लेकिन हेल्दी है तो वो अच्छा है, और लेकिन अगर वो ड्राई है, बाल ब्रिटल है, बाल झड़ रहा है तो दैट इज अनहेल्दी। तो उनको बहुत सारे सोल्यूशन हमने बताए हैं, जो भी हमने बातचीत की है उसमें वो सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए, अच्छे से ऑयलिंग कीजिए। जी एक और श्रोता से बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी फोन आ रहे हैं आज। हेलो 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 जी नमस्कार, हाँ बताइए। जेपी शर्मा बोल रहा हूँ जी, पाटगंज से। जी शर्मा साहब बताइए आपका प्रश्न क्या है। मेरे तीन सवाल हैं जी, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि कुछ दिन पहले टीवी पे बताया गया था कि आपस में नाखून रगड़ो कुछ देर तक तो बाल ठीक रहेंगे, तो वो काफी मैं ट्राई किया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा जी उससे। नंबर दो ये है जी, ये सरसों का तेल सिर में लगाना चाहिए या नहीं? अभी पिछली बार किसी ने कहा था कि सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि भारतीय कुश्ती में तो पहलवान बहुत सारा तेल बदन पर लगाते हैं और वो सरसों का ही होता है, तो ये कहाँ तक ठीक है। नंबर तीन मेरा ये कहने का सवाल है कि बच्चों के जो अर्ली एज में बाल सफेद हो जाते हैं उनका क्या कारण है? जी डॉक्टर रीना, इनके शर्मा साहब के तीन प्रश्न हैं। ये कह रहे हैं कि सुना था नाखून रगड़ने से बाल अच्छे रहते हैं, काफ़ी दिनों तक ये नाखून रगड़ते रहे लेकिन बालों पे कुछ असर नहीं हुआ, तो ये कहाँ तक सही है और सरसों का तेल कितना इफेक्टिव है? नाखून रगड़ने का जो है इससे कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिससे बालों पर कोई इफेक्ट पड़े, और जो सरसों का तेल का ये बोल रहे हैं, अगर मैं इससे कंपेरिजन करवा के पूछें तो बेस्ट है तेल का तेल यूज करें, और जो कह रहे हैं पहलवान सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, पहलवान ने बॉडी के लिए यूज़ करना है सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए, वो भी अगर तेल का तेल यूज़ करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और बच्चों के बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं? ये मैंने पहले भी आंसर दिया था कि बच्चों का डाइट एक बहुत बड़ा रीज़न है, और पित्त प्रधान सामान जो कहते हैं जो एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कारण है बाल जल्दी सफ़ेद होने का, तो उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। जेल्स लगाते हैं बच्चे, हाँ जेल्स और बहुत कुछ और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो उनको यूज नहीं करने चाहिए। जी ये कहने का मतलब है कि हमें डाइट पे काफी ध्यान देना चाहिए, अपनी जीवन शैली बदलनी चाहिए, और जैसे डॉक्टर दिव्या ने बताया कि पानी भी सही मात्रा में हमें पीते रहना चाहिए, तभी हमारे बालों की देखभाल अच्छे से हो पाएगी। डॉक्टर साहब अब घड़ी हमें ये इशारा दे दी है कि हमें आज्ञा लेनी पड़ेगी अपने श्रोताओं से आपका इस कार्यक्रम में आने का और इतनी अच्छी जानकारी देने का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं भी हम बालों की समस्या कारण और निदान विश्वभर इम्पोर्टेंट कार्यक्रम कर रहे थे। हमारे विशेषज्ञ थे आयुष बैलेंस क्लिनिक की परामर्श चिकित्सक डॉक्टर दिव्या सहस्त्र और वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य चिकित्सक डॉक्टर रीना अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी डॉक्टर अलका शर्मा। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि 14 अगस्त 2019 को स्वास्थ्य संजीवनी के अंतर्गत फोन कार्यक्रम का विषय होगा मोटापा कारण और निवारण। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे एस पी सिंह।